हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज आपको बताने वाले हैं प्रो ओट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी और हाई प्रोटीन, जिसे बोलते हैं प्रोटीन ओट्स। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, किसी भी टाइम एज अ ब्रेकफास्ट, आप मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो आप बना सकते हैं गाइस। बेस्ट मील, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए चाहिए होगा आपको वेइंग स्केल, और वेइंग स्केल के ऊपर आपको चाहिए होगा एक बाउल। तो इस बाउल को कर दिया हमने ज़ीरो। अब हम इसमें डालेंगे ओट्स। तो मेरे पास यहाँ ओट्स हैं और वे प्रोटीन है, तो अभी हम 50 ग्राम ओट्स लेंगे और एक स्कूप डालेंगे हम। 50 ग्राम ले लिए हैं ओट्स, अब इसमें डालेंगे एक स्कूप प्रोटीन भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सीड्स, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मिक्स करेंगे। मैंने डाली है हेम्प सीड का पाउडर, तो यहाँ पे आप फ्लैक्स सीड का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको रोस्ट करके हमने पाउडर बना रखा है। तो अभी इन तीनों मिक्सचर के अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, इलायची और केसर, और फिर हम इसको सोक करके चम्मच हम इसका भी डालेंगे, कोकोआ पाउडर का। तो ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे कैडबरी का हो, बट मेक श्योर ये 100% कोकोआ हो। इसमें किसी भी तरह का शुगर और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई एम यूजिंग कोकोआ फ्रॉम कैडबरी। अभी डाल दिया, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी स्वीटनेस और ऐड करने के लिए मैं डाल रहा हूँ जैगरी पाउडर। वैसे वे प्रोटीन में भी स्वीटनेस है, बट आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ जैगरी पाउडर टू मेक इट मोर स्वीट। लेंगे दालचीनी का पाउडर, जस्ट स्प्रिंकल एज पर योर टेस्ट, आई लाइक इट मोर। तो अभी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च, एंड फिर इसको करेंगे अच्छे से। और काली मिर्च भी डाल दी है और शक्कर भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं रेडी, अब मैं इसमें पानी डालूंगा। तो ये आपने अपने हिसाब से डालना है पानी, जितना आप गाढ़ा चाहते हैं या पतला चाहते हैं। आप पानी की जगह मिल्क भी डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। तो अभी हम इसको वर्कआउट से पहले इसको मैं सोक करके जा रहा हूँ पानी में। तो आफ्टर वर्कआउट इसमें मैं बनाना मैश करूँगा और ऊपर डालेंगे टॉपिंग्स, एंड ये रेडी टू ईट होगा। पानी डाल के मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में, जब तक 1 घंटा मैं वर्कआउट लगाऊंगा, और फिर आके हम इसको करेंगे बनाना मैश, और ये बिल्कुल पुडिंग की तरह हो जाएगा। और ये गाइस जो ओट्स हैं, ये पानी को बिल्कुल पी लेंगे, आप देखेंगे काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा ये। तो मेक श्योर आप पानी अच्छे से डालें, ना कम डालें ना ज़्यादा डालें, इतना डालें कि ये पानी से अच्छे से भीग जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अभी से बहुत टेस्टी लग रहा है, आप इसको गर्म करके इंस्टेंट भी खा सकते हैं, बट आई लाइक टू मेक इट सोक्ड। तो वैसे तो ओवरनाइट भी आप इसको सोक कर सकते हैं, बट जब कभी आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि ओट्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली आप खा सकते हैं, उसको ज़्यादा कुक नहीं करने की ज़रूरत होती। तो मेरे पास इंस्टेंट ओट्स हैं, तो इसमें यही खूबी होती है, आप इसको या तो पानी में सोक करिए या हल्का सा कुक करिए, रेडी टू ईट हो जाते हैं गाइस। ओट्स को रख दिया फ्रिज में। तो अभी टाइम टू हिट अ ग्रेट वर्कआउट, और इस मील को अर्न करते हैं, और अमेजिंग एनर्जी के साथ आज करने वाले हैं लेग्स वर्कआउट। तो गाइस साइकिलिंग हो गई है, स्किपिंग हो गई है, तो इवन आई कैन ईट दैट स्ट्रेट अवे, बट आई वॉन्ट टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो अभी लेग्स का वर्कआउट करते हैं 30-40 मिनट्स, देखते हैं कितनी देर कर पाते हैं, उसके बाद खाएंगे उस मील को करेंगे। वर्कआउट हो गया कंप्लीट। तो अभी ये ओट्स जो है हमारे सोक हो चुके हैं, अभी हम करेंगे बनाना को मैश, और फिर हम डालने वाले अमेजिंग टॉपिंग्स। तो ये आपको बनाना कर लिया हमने मैश, तो अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और ये बिल्कुल खीर की तरह बन जाएगा, बिल्कुल मीठा, क्योंकि बनाना की जो स्वीटनेस है वो इसके ओट्स के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हम डालना शुरू करेंगे टॉपिंग्स। हम डालेंगे सीड्स, तो ये मेरे पास है चिया सीड, पम्पकिन सीड,
सनफ्लावर सीड और ये रोस्टेड पीनट्स और ये है रोस्टेड मखान, तो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर हम ऊपर से डालेंगे फ्रूट्स और ये डालेंगे पीनट बटर और शहद। सीड्स की हमने डाल दी है पूरी अच्छे से टॉपिंग, आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम इस पर डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स जो कि है किशमिश, क्रैनबेरी, बादाम, काजू, डेट्स। अभी हम डालेंगे अपना फ्रूट्स जिसमें है मेरे पास मैंगो और अनार। तो गाइस देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जस्ट इसको गार्निशिंग करने के लिए हम डालेंगे एक चम्मच पीनट बटर और एक चम्मच। ये हमारी फाइनल रेसिपी इज़ रेडी, अमेजिंगली न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ प्रोटीन, मोर देन 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा, 24-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और बहुत ही अमेजिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो गाइज एंजॉय करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस रेसिपी। गाइस टेस्ट करते हैं नंबर वन। तो गाइस ये ऐसी रेसिपी है जो आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, ये आपको फुल करेगी फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स और आपको फुल एनर्जी देगी। पोस्ट वर्कआउट इज़ द बेस्ट मील इन ब्रेकफास्ट, एनी टाइम आप खा सकते हैं, इवन आप इसको कैरी भी कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मेक श्योर गिव्स अ थम्स लाइक्स एंड शेयर करिए इस रेसिपी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।